अखिलेश, मैंने कल तुम्हें होमवर्क दिया था, होमवर्क करके ले आए? आज कोई भी बहाना नहीं होना चाहिए। होमवर्क किया तुमने कि नहीं किया? अरे अमित शाह सर जी, कर लिया होमवर्क, कर लिया। कहाँ किया होमवर्क? अपनी कॉपी दिखाओ, कॉपी। क्या अमित शाह सर जी बेफालतू की बात करती हो? अरे कॉपी क्यों दिखाऊंगा मैं, होमवर्क करने को कहा था, घर ही पे कराया मैं होमवर्क, यानी कि घर का काम। कल मैंने घर के काम देखो कितने किए, बाजार से सब्जी लेके आया, भैंस के लिए चारा लेके आया, सारे काम कर लिए मैंने। क्या बात है अखिलेश, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा लालू जी, आप बताओ ताजमहल किस शहर में बना हुआ है, यानी कि कौन सी जगह स्थित है? अरे मुझे तो पता है नहीं ताजमहल किस जगह बना हुआ है, किससे पूछूं किससे पूछूं, अरे जोर से पूछ भी नहीं सकता। एक तरीका है क्या अमित शाह सर जी, आपको खुद तो पता है नहीं ताजमहल किस जगह बना हुआ है जो हमसे पूछ रहे हो? आपको पता नहीं है इसीलिए तो पूछ रहे हो हमसे? अरे लालू जी कैसी बात करते हो, मुझे तो पता है ही, आगरा में बना हुआ है ताजमहल। इसका मतलब आपको भी पता है, मैं भी यही बताने वाला था, आगरा। बहुत बढ़िया लालू जी, बहुत बढ़िया। योगी जी अब आप न्यूटन का नियम बताओ। जी अमित शाह सर जी, शुरू का याद नहीं है, आखिर का थोड़ा याद है। चलो कुछ तो याद है तुम्हें, सुनाओ, चलो लास्ट का ही सुनाओ, आखिर का। लो सुन लो, आखिर का तो मुझे याद है, इसी को ही न्यूटन का नियम कहते हैं। ये आखिर का मैंने सुना दिया, शुरू का कल को याद कर लूंगा। कोई बात नहीं योगी जी, कल को शुरू का याद कर लेना, न्यूटन का नियम। अच्छा राहुल तुम बताओ, घोड़े बेचकर सोना, इस मुहावरे को उदाहरण दे के समझाओ। इसका उदाहरण कल को दे दूंगा मैं, एकदम। अब कैसे दूं? भाई कल को कैसे दोगे, आज क्यों नहीं दे सकते उदाहरण? अरे अमित शाह जी, मेरे घर एक घोड़ा है, कल उसे बेच के सो जाऊंगा, बस आपका उदाहरण हो जाएगा, सवाल का जवाब मिल जाएगा, इसी को तो कहती है घोड़े बेचकर सोना। क्या बात है राहुल, तुम तो रियल उदाहरण दे के दिखा दोगे। मोदी जी तुम बताओ। रुको रुको अमित शाह सर जी, रुको, मुझसे कुछ पूछने से पहले आप बताओ। रोज आप हमसे पूछते हैं, हमें भी तो पता चले आपको कितना आता है। 55 का पहाड़ा सुनाओ। अरे कैसी बात करते हो मोदी जी, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, अरे तुम आराम से बैठे रहो। देखा 55 का पहाड़े का नाम लेते ही बहाने बनाने लगे आप, खाली किताब में देख के सवाल पूछते रहते हो, परेशान करते रहते हो हमें, आता जाता तो है नहीं कुछ आपको। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मोदी जी जब तक मैं आपकी मिठाई की दुकान का दिन भर में एक गुलाब जामुन ना चख लूं तब तक नींद नहीं आती है रात में। और जब से आपने चलती फिरती दुकान करी है, यानी के ऑटो रिक्शा में मिठाई की दुकान रख ली है, तब से तो हमारे दिन न्यारे ही हो गए। आप जहां भी मिलते हैं मैं आपसे गुलाब जामुन खरीद लेता हूं। राहुल आज के तो गुलाब जामुन खा के तुम्हें मजा आ जाएगा। बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले चाशनी से निकाल के गुलाब जामुन बेचने के लिए अपने ऑटो रिक्शा में निकल पड़ा हूं। अरे योगी जी आ गए, योगी जी क्या लोगे, गुलाब जामुन लगाऊं, रसगुल्ला लगाऊं या लड्डू खाओगे, बोलो बताऊं? अरे मोदी जी खेत पे से आ रहा हूँ, क्या पैसे खर्च करूंगा, ये राहुल ने जो गुलाब जामुन लिए इसी में से उठा के एक चख लेता हूँ, एक खा लेता हूँ। नहीं भाई योगी जी, मेरा गुलाब जामुन मत उठाना, गुलाब जामुन खरीदने में पैसे खर्च हो रहे हैं, मोदी जी ने वैसी मिठाई के रेट बढ़ा दिए। अरे अपनी जेब ढीली करो, कुछ पैसा खर्च करो, तभी तो मिठाई मिलेगी। इसका मतलब राहुल तुम मुझे मना कर रहे हो एक गुलाब जामुन देने को? अरे मैं सुबह का खेत पे निकला हुआ हूँ, जेब में पैसे है नहीं, अगर जेब में पैसे होते तो मैं खरीद नहीं लेता मिठाई। अरे योगी जी तू घर से पैसे ले आओ, घर कौन सा दूर है तुम्हारे। अरे मोदी जी घर से पैसे लाने को कह रहे हो, ये नहीं कह रहे हो कि मैं मिठाई उधार दे देता हूँ? अरे कैसे उधार दूं योगी जी, पिछला ही तुम पर इतना उधार है, पिछले 5,000 रुपए तुमने अभी तक दिए मुझे। अरे ये अखिलेश बोरे में क्या लिए चला आ रहा है, अखिलेश इस बोरे में क्या है, इस बोरे में क्या लिए चले आ रहे हो? अरे मोदी जी अभी मैं आपकी दुकान के सामने से निकला, ताजे ताजे लड्डू देखकर मुंह में पानी आ गया, अब घर जाकर देखा तो जेब में पैसा था नहीं, ना घर में कोई पैसा था, अनाज का बोरा पड़ा था, यही उठा के ले आया, इस अनाज के बोरे को रख लो और मिठाई दे दो, मुझे लड्डू दे दो बस। अरे अखिलेश इस अनाज के बोरे को बाजार में बेचाऊं, मैं क्या करूंगा अनाज के बोरे का, पैसे जो मिले उससे लड्डू खरीद लेना। अरे मोदी जी इतनी देर का सफर मुझे कहाँ है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है लड्डू देख देख के, बाजार में कहाँ ले जाऊं इस अनाज के बोरे को, यहीं रख लो अपने पास, बस मुझे जल्दी से लड्डू दे दो। चलो ठीक है अखिलेश, अनाज के बोरे को यहीं रख दो, क्योंकि तुमसे भी सबर हो नहीं पा रहा है, लड्डू खाने की तुम्हें बहुत बेताबी है। देखा योगी जी अखिलेश की तरह काम किया करो, जेब में पैसे नहीं थे तुरंत अनाज का बोरा ले आया। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।